हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसानों के आंदोलन के बीच किसानों के सामने जितनी ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं, उतने ही ज्यादा उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं सरकार से आठवें दौर की वार्ता भी विफल होने के कारण स्थिति वैसी की वैसी ही है। किसान तीनों कानूनों के खिलाफ डटे हैं। किसान सरकार को चेता चुके हैं कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली में 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे और अपने ट्रैक्टरों के साथ झांकियां भी निकालेंगे। देखिए, किसानों ने अपने टैंक ले गए, अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है और कल केएमपी में किसानों के सारे टैंक पहुंचेंगे और अपने कर्तव्य दिखाएंगे और वहां किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि संघर्ष लंबा चलने वाला है और सभी किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से अगर पुलिस लाठीचार्ज करता है तो किसान को कैसे अपना बचाव करना है, पुलिस पानी वो सारे मारती है तो किसान को अपना कैसे बचाव करना है, ये सारी की सारी हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमारे कमांडो हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो वहाँ आएंगे केएमपी पर। और जब तक हम सारे के सारे किसान ट्रेंड नहीं हो जाते तब तक वहाँ ट्रेनिंग का कैंप केएमपी पे चालू रहेगा।